राजू गाइड कुछ बता तो दो। ये मकबरा 1760 में अलाउद्दीन खिलजी को जब खुजली हो गई थी तो उनके नवासे ने शहाबुद्दीन चिश्ती ने किश्ती में बैठ के ये मकबरा यहाँ बनवाया था खुजली करने के लिए। एक बार फिर से, एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की कला को समझ सकता है। ये राजू भैया क्या कर रहे हैं? हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। ये वो रामदेव किसका बखान करते हैं आजकल? एलोवेरा योगा। एलोवेरा नहीं, योगा। ये एलोवेरा की छोटी बहन है सेलोवेरा। इसमें एलोवेरा के सभी गुण तो नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ होंगे, और जो होंगे वो बहुत खूब होंगे। इसमें हरी हरी पत्तियां होती हैं और इसमें एक फल भी लगता है जिसको निम्बोली कहते हैं। सब आपकी तरफ ही देखो। निम्बोली कहते हैं और वो आमतौर पे थोड़ा कड़वा होता है खाने में, लेकिन जब वो पक जाता है तो बहुत मीठा भी हो जाता है। आप उसको औषधि की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखाएं क्या? दिखाओ भैया, पकड़िए, आइए ना। हाँ, आपको ही कह रहे हैं। ये सब ये देखिए, ये नीम का फल होता है। दिखाओ थोड़ा सा नीचे कर। ये जो हरा है ये कड़वा होगा, ये जो पीला होगा ये मीठा है। यह बहुत गुणकारी होता है। इसका गुण तो हमें ठीक से पता नहीं है क्या क्या काम आता है, लेकिन फिर भी बहुत गुणकारी है। आप खाकर देखिएगा। सही है। आज से पहले तो कोनो दिन देखा नहीं ना नीम का पेड़। दिल्ली आए हो तो देखिए, अभी आपको पीपल का पेड़ भी दिखाएंगे। चलिए। राजू भैया क्या कर रहे हैं आप? कैसे दम दे दी लेते शोर मच जाएगा। पी लो और पी लेना। तो नहीं पीने देंगे। कौन है पीने देंगे? तुम क्या टैक्स लगा दोगे? हाँ। ऐसे पेड़ आजकल बहुत कम होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं और भी न जाने क्या क्या है, बहुत कुछ है। राजू भैया इस पे लगता क्या है? इस पे मकोड़ा भी लगता है, जाला भी लगता है। फल का पता नहीं है क्या लगता है, लेकिन जाला बहुत लगता है। वो देखिए, वो लगा। छत्ते भी बहुत लगता है। छत्ता भी लगता होगा। चलिए, आपकी बात भी रख लेते हैं। और इसमें जो असली बात है वो यही है कि ये लकड़ी का। और इसके पत्ते हरे हरे हैं, ये इसकी विशेषता है। ये इसकी विशेषता के खुदी को करके बुलाऊंगे। कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ जैसे तैसे, और फिर खुदा भी पूछेगा, अबे साले अब उतरेगा कैसे? हाँ जी, आप बताओ। ये लिखा है, खीरद कुमारी ले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनून शोक को हमराज कर रहा हूँ मैं, और या इलाही मेरी
अकीदत की आबरू रखना कि तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ। जिल्द